खराब एकदम। अपना बना ले मुझे ताज ना गोरी कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। भाभी जी, हम तो कब से हरी हरी कांच की चूड़ियां लेके आपको अपना बनाने की फिराक में हैं, लेकिन आप जो है हरी झंडी दिखाती हैं। अका बोले आप कैसे बात। भाभी जी, हम इश्क खटिया में बैठकर चाहत भाव का गुनगुना रहे। आप कब पीते हैं चाहत भाव का? अभी जी, ये इश्क प्रेम का एक फल है, अगर हाथ लग जाए तो बड़ा मीठा है। तो इसक कहाँ पाया जाता है? भाभी जी, हुस्नपुरा। इश्क का पेड़ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? हुस्नगर। अभी हुस्न नगर कहाँ है? अभी ये एकदम मोहब्बत पूरा के बगल। कहाँ बोल रहे हैं? ये मोहब्बत पूरा तो हम कभी देखे नहीं और सुने भी नहीं। कैसे देखने भाभी जी, आप कुछ रहती हैं बड़ा नगर। मैंने कहा भाभी जी, आपको हरी हरी चूड़ियां पहनने का बड़ा शौक है, बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा इश्तियाक है। अरे, आप तो मेरे मन की बात बोल दिए। हाँ, हमको ना हरी हरी चूड़ियां पहनने का बहुत ही दिल कर रहा है। वो कहा है ना, अकी जब हम छोटे थे ना तो हमारे गांव में ना एक चाचा आते थे चूड़ी वाले, उनसे ना हम हरी हरी चूड़ियां खरीदते थे, फिर पहनते थे और फिर बहुत ही नाचते थे और फिर ना बहुत ही नाचते रहते थे। हाँ, ये तो ये लग चूड़ी वाले, तो उनसे ना हम हरी हरी चूड़ी लेकर पहनते थे और बहुत ही नाचते थे। लेकिन हमारी कॉलोनी में तो कोई चूड़ी वाला ही नहीं आता है। अभी जी, डोंट वरी, मैं पहनाऊंगा आपको हरी हरी कांच की चूड़ी। अरे, आप कहाँ पहनाएंगे? आप तो कोई चूड़ी वाले हैं। बन जाएगी आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, चूड़ी वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आप हरी हरी चूड़ियाँ कांच के डाल। अभी चूड़ी वाला तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए कांच की हरी हरी चूड़ियाँ ला के दूँगा। नहीं नहीं, आप काहे तकलीफ करेंगे? हम हमें ना बोले थे लड्डू के भैया को, वो कहीं से बाजार से ढूंढ के ले आएंगे। कहाँ ले आए लड्डू भैया? अरे ओके सर, एक ही छोटा सा वो व्यू दी।
का शुक्र है कमरे में कोई नहीं है। खुदा निकाल, शुक्र है, शुक्र है कमरे में कोई नहीं है। मैं जाऊंगा सिस्टर के लिए। हाँ, कमरे में कोई नहीं है। टहलते हुए शुक्र है, शुक्र है खुदा निकाल। सॉरी, हाँ शुक्र है कमरे में कोई नहीं। फिर ये दिखाई दिया, गुण बनाती भी जाओ। ये कोई लिपस्टिक रखना है? हाँ, मेरी वाली रखना। हाँ हाँ, हाँ सर, किया है सर। फिर क्या है? फिर ये खुद बोलते हैं वो, ये पुलिस वाले भी हैं। बताइए, किसी के मरहम पर, किसी के जख्मों पर मरहम लगाना कोई गुनाह? ये पलट के थोड़ा अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोलना, ये डायलॉग। और यहीं से नीचे जाओ। हाँ, अब आओ, ढकती भी आओ और बैठ के नीचे। बस ठीक है, थोड़ा टेक में आ गया। चलिए, अब सारा दिन आनंद से बीते। वाह, क्या होगा? ये नहीं, पूरी बातचीत आप हमारे बेडरूम के नीचे क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं, अब ये स्क्रीम क्या, बाहर निकल के आए आप लोग? अच्छा, बाहर निकल के आइए। निकले, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। आप कहे तो हम आपको एक अपना प्रोग्राम दिखा देते हैं। एक काम कीजिए, गुड आइडिया तिवारी जी, आप एंजॉय कीजिए, मैं निकलता हूं। अरे नहीं, हम का एंजॉय किया?